आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। बुलंदशहर अंतर्राज्य वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। वाहन चोर गिरोह के सदस्यों से 5 बाइक, तमंचा, चाकू और कारतूस बरामद। बाइक चोरी कर कीमती पार्ट्स को निकालकर स्क्रैप की बेच देते थे वाहन चोर। बाइक का स्क्रैप खरीदने वाले आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मामन रोड पर कब्रिस्तान के पास खंडहर से बरामद की गई चोरी की बाइक। बुलंदशहर सिटी कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम को मिली वाहन चोर गिरोह की गिरफ्तार करने में सफलता। पेश है बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जनपद में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जितने भी हमारे क्रिमिनल्स हैं उनकी छानबीन की जा रही है और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जैसा आप लोग देख रहे हैं लगातार इधर पीसी हो रही है, जिसमें इनका खुलासा किया जा रहा है। इसी के तहत कोतवाली नगर पुलिस ने भी प्रयास किया था, जिसमें वाहन चोर इनको 4 मिले हैं। इनके पास से कुल 5 मोटरसाइकिलें मिली हैं, उसमें से 3 मोटरसाइकिलें कोतवाली नगर से चोरी गई हुई थी, 1 मोटरसाइकिल दिल्ली से चोरी गई है, 1 मोटरसाइकिल और कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इनके पास से अवैध तमंचा और अवैध चाकू और कारतूस भी मिले हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इनके पूर्व का भी आपराधिक इतिहास है, जो हम लोगों ने अपने प्रश्न नोट में शामिल किया हुआ है। और इनके अभी भी जो इस समय जो योगेश है इसके ऊपर कुल अभी तक 10 मुकदमे हैं और अभियुक्त दलजीत जो है इसके ऊपर कुल 8 मुकदमे हैं और अभियुक्त दिनेश जो है उसके ऊपर कुल 4 मुकदमे हैं। इस प्रकार से इनकी एक लंबी चौड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है और एक नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिससे एक लगता है कि जो वाहन चोरियां हो रही हैं उस पर कुछ लगाम लगेगी। सर, वाहन चोरी करके ये सर पेशा करते थे या उनसे किसी घटना को अंजाम दिया गया? नहीं, अभी घटना का अंजाम देने की बात प्रकाश नहीं आई है, लेकिन अगर ये बेच रहे हैं उस मोटरसाइकिलों से उसका दुरुपयोग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सर, इसका क्या पूरा इतिहास है बता दो।